गरियाबंद में किडनी पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सुपेबेड़ा के दर्द से कोई अनजान नहीं है। पिछले 17 सालों में यहां 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तमाम दावों के बीच कुछ ऐसी जिंदगी अब भी हैं जो बीमारी नहीं बल्कि व्यवस्था से जूझ रही है। सुपेबेड़ा गांव के लोग गुजर बसर के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र की इस खास रिपोर्ट में। देवभोग के मनरेगा दफ्तर में फाइलों के साथ नजर आ रही वैदेही और लक्ष्मीबाई उसी सुपेबेड़ा गांव से हैं, जहां किडनी रोग काल बनकर आया। दोनों के पति शिक्षक थे, उन्हें बचाने के लिए जमीन जेवर तक बेचने पड़े, हाउस लोन निकालकर इलाज में खर्च किया गया, पर जान नहीं बचा पाए। अब घर परिवार और बच्चों का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। दोनों के पति शिक्षक थे और पति की मौत के बाद इनका सारा सब कुछ उजड़ गया है। दोनों के तीन तीन संतान हैं और आज ये काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रगल की कहानी, आखिर किस तरह से ये अभी परेशान है। आप बताइए कितना इलाज करने, किस तरह से इलाज के लिए जितना पड़ा और जाने के बाद कैसे चलाना पड़ा। घर में इतना भी सोना चांदी था, गाड़ी के इलाज में चला गया। घर में जितना भी हम लोग का जो जमा हो गया था सब उनके इलाज में खत्म हो गया। आप बताइए 10,000 रुपए तनख्वाह मिलता है, 10,000 में क्या क्या कर लेती हूँ? मैं तो घर के लिए 3,000 देती हूँ, बच्चे लोग को भी पालन पोषण नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ये वैदेही और लक्ष्मी बाई की ही तरह गांव में 20 से ज्यादा विधवा महिलाएं हैं, जो घर चलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सिलाई मशीन पर धागा पिरोती प्रेमशिला, इसी के भरोसे दो वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं। 3 साल तक बीमारी थी, 2018 में मेरा पति खत्म हो गया और उस साल से मैं मशीन का काम करती हूँ। वहीं पे 3 बाल बच्चे को पालन पोषण करती हूँ। गुजारा हो जाता है? नहीं होता है, होने से कि नहीं होने से किसको बताऊं। इसी तरह कुछ महिलाएं मजदूरी के भरोसे परिवार चला रही हैं। किडनी की बीमारी से माँ बाप को खोकर अनाथ हो चुके रतन सिन्हा की भी यही कहानी है। मेरे पापा तो पहले गुजर गए, फिर मेरा मम्मी इधर उधर काम वगैरह करके मेरे को इतना बड़ा किया, फिर मेरा मम्मी फिर देहांत हो गया तो किडनी के कारण सरकारी हॉस्पिटल भी गए सर, तो कुछ फायदा नहीं है। मेरे पास जितना भी पैसा वगैरह था सब एक ही खर्चा वगैरह, तो अभी मेरे मम्मी नहीं बची। इस गांव ने हर महीने किसी न किसी के अर्थी को उठते देखा है। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, जो बीमार हैं उसे आधी अधूरी सरकारी सुविधा मिल रही है। पीड़ितों के परिजन गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन मदद की बजाय मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। मैं वो जो मेरा राशन कार्ड की तरफ से 35 किलो चावल मिलता है उसी से ही मैं गुजारा कर रही हूँ और मेरे को कमाने वाले कोई नहीं है। मैं सरकार से इसीलिए गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई उनका भरण पोषण के लिए मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं सरकार को गुजारिश कर रही हूँ। मैं आज 2.5 साल हो गया, अभी सब मेरे पास गाड़ी घोड़ा खेत खाल सब था, सब बेच चुकी। किडनी की बीमारी और मौतों के पीछे कई तरह की वजहें बताई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह है पीने के पानी में हैवी मेटल फ्लोराइड की मात्रा होना। कच्ची शराब पीना भी किडनी की बीमारी की वजह बन रहा है। साथ ही दर्द के लिए स्टेरॉइड और इंजेक्शन लेना भी किडनी की बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि इसके पीछे की ठीक ठीक कोई वजह नहीं बता पाता। शासन प्रशासन भी हवा में हाथ पैर चलाता नजर आता है, जिम्मेदार भी अपने स्तर पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट सपोर्टिव सिस्टम दे सकता है सुपेबेड़ा को कि दवाई दे दे रहा है, प्रोटीन पाउडर्स दे देता है। दर्द के वो दवाई नहीं खा सकते तो हम स्प्रे दे देते हैं, जितना अच्छा बेहतर इलाज हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम करा सकते हैं, बाकी तो शासन स्तर पे होगा। आर्थिक सहायता के लिए शासन स्तर पे वो तो आप गवर्नमेंट से पूछिए ना। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कारणों का पता नहीं लगाया जा सका, न ही किसी तरह का समाधान हुआ।
गरियाबंद के सुपेबेड़ा में सिर्फ और सिर्फ लोगों की मौत हो रही है। लोगों को इंतजार है कि उनको आर्थिक मदद दिया जाए, क्योंकि श्रीकाकुलम में जिस तरह से तेलंगाना की सरकार जो है पीड़ित परिवार को मुआवजा देती थी, यहाँ भी पीड़ित परिवार को मुआवजा की मांग जो है पिछले 6 साल 7 साल से की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार जो इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेती थी, अब चूंकि वो सत्ता में है, आने वाले दिनों में क्या कुछ सुपेबेड़ा के लिए करेगी, क्या यहाँ मौत का आंकड़ा कम हो जाएगा, क्या बीमारों की संख्या पर नियंत्रण लगा पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद।